नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके पास कोई सा भी लेज़र प्रिंटर है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने थंबनेल पे वैसे देख लिया होगा कि प्रिंट जो है हल्के हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि बिल्कुल लाइट आ रहा है लेकिन कार्ट्रिज फुल है, वेटेड है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्रिंट निकाल के दिखाऊँ, तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, तो ये कमेंट चली गई है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको क्लियर एक प्रिंट निकाल के दिखाऊंगा कि क्या कंडीशन हो रही है। तो ये जो प्रिंटर है वो HP का लेजर जेट M1136 प्रिंटर है, MFP। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आधा पार्ट जो है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे तो डार्क आ रहा है, लेकिन एक्चुअली दोस्तों ये वाला लाइट आ रहा है। अब इस लाइट पार्ट को हम कैसे डार्क में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कुछ पार्ट लाइट मतलब डार्क आ भी रहा है लेकिन कुछ बिल्कुल हल्के हो जा रहा है। तो इस तरीके की दोस्तों आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। पहले तो दोस्तों दो चीज़ों से हम मतलब ठीक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फिजिकली क्या कि हम प्रिंट निकला इस तरीके से तो ये वाला जो पोर्शन है कार्ट्रिज का वो सही से वर्क नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर इसे कार्ट्रिज को निकालेंगे तो कार्ट्रिज का ये वाला जो पोर्शन है वो सही से वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों दो कंडीशन होती है आपके पास भी लेज़र प्रिंटर है, सबसे पहले हल्का सा इसे पीछे खींचेंगे तो इसे घुमाने का ऑप्शन मिल जाता है आपको कि आप इसे घुमा सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है सही से, तो इसे हम खोल के देखेंगे तो मतलब इंक रिटर्न में इस तरीके की आ रही है तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप आराम से इंक इस तरीके की आ रही है मतलब लाइन प्रॉपर तरीके से आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैट मीन्स यह है कि जो इंक होती है पीछे, कभी कभी ऐसा होता है कि इंक रुकाने लगती है, जो डस्ट इंक भी आती है साथ में तो वो पीछे डस्टर लगा होता है वो मतलब स्टोर करके रख लेता है इंक, तब ये इंक डालते हैं तो वो इंक फेंक दी जाती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पे आपके इंक बहुत ज़्यादा निकल रही है, डैट मीन्स ये है कि जो डस्ट की वजह से इंक प्रॉपर नहीं आ पा रही। अब दूसरी चीज़ आती है, आप वेट भी तोड़ के देख सकते हैं, एक भरी भी कार्ट्रिज का एक खाली कार्ट्रिज का, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप किसी भी दुकान पर जाते हैं कि हाँ मेरी कार्ट्रिज फिल है या नहीं है मुझे मालूम तो चल जाए, तो आप वेट मशीन पे भी मतलब ज़्यादा वेट नहीं होता, 50-60 ग्राम का ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि कार्ट्रिज इस तरीके से डली थी तो ये वाला पोर्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर कार्ट्रिज इंक होती है दोस्तों, इसे हल्का सा झटका नहीं मारेंगे क्योंकि काट जो साइड में लगे होते हैं ना वो निकलना भी शुरू हो जाती है, बस हल्का सा जो पीछे चिपक गई है तो इसे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डस्ट इंक जो होती है वो आ गई है, डैट मीन्स ये है कि यहाँ पे डस्ट भी जम रही है। तो यहाँ पे अब ये तो हो गई, बस इतना सा ही काम था फिजिकली वर्क में, आपको ज़्यादा खटापिटी नहीं करनी। बस जो हमें ठोकना है वो सिलेंडर के साइड नहीं ठोकना, ना किसी चीज़ से स्क्रैच मारनी है, ये जो सिलेंडर लगा हुआ है इसे टच नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप साफ हो जाएगा इसमें, क्योंकि डस्टर इसके पीछे लगा होता है तो क्लियर हो जाएगा। जहाँ इंक स्टोर होती है क्योंकि पीछे बीच में खांचे बने होते हैं प्लास्टिक के तो उसमें जम जाती है, तो वहाँ पे आप हल्का सा हाथ मारते हैं थोड़े से डस्ट जरूर जाएंगे इस तरीके के, लेकिन आपकी मतलब पर्सनली है तो ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ऑफिस में हो तो किसी भी प्यून से ये करवा सकते हैं काम। तो इस तरीके से आप तो ये फिजिकल वाला है दोस्तों कि कभी कभी कार्ट्रिज में लाइन आने लगे तो वो डस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, जब लाइन आ रही है ना एक्चुअली सीधी सीधी लाइन आ जा रही है तो वो डस्टिंग की प्रॉब्लम है, वो डस्ट निकलेगी पूरी कार्ट्रिज भरेगी तभी वो ठीक हो पाएगा। अब दोस्तों आप देखेंगे इसके मुकाबले इसके में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि तब भी मैं बिल्कुल क्लियरेंस की बात नहीं करूँगा, लेकिन यही आपको स्टेप करने हैं तो आपकी जो कार्ट्रिज प्रॉब्लम है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों कुछ हम डेस्कटॉप पे ठीक करेंगे, तो डेस्कटॉप पे आते हैं और किस तरीके से प्रिंट और अच्छा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये इस तरीके का पेपर है, अब परेशानी क्या है कि एक जगह रेड है एक जगह ब्लू है, ब्लू वाला जो है वो लाइट पोर्शन आ रहा है, रेड वाला जो है वो डार्क आ रहा है। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या वो रेड वाला जो ही डार्क आ रहा था या ब्लू वाला ही डार्क आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे महिला वाला जो है वो लाइट आ रहा था, डैट मीन्स ये रेड वाला जो है वो हल्का आ रहा था। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इसे
कुछ करेंगे नहीं वैसे एक्चुअली बताऊँ तो। यहाँ पे हम इसे बैक कर लेते हैं, जेट कंट्रोल जेट से मैंने जो पोजीशन थी वही लाया, और यहाँ पे सेलेक्ट, वैसे तो कुछ ज़्यादा खास हम नहीं कर पाएंगे इसमें, लेकिन तब भी हम इसका कंट्रास्ट को देखते हैं, कुछ नहीं हो पाया, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे जाते हैं, और हमने और ज़्यादा डार्क कर दिया है, और ब्राइटनेस को तो मुझे लग रहा है कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोस्तों अब क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, अभी आप देखेंगे तो जो यहाँ पे मैंने हटाया ये वाली जो लाइन है ये आ रही है ब्लैक में, तो इसे ना हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो, और इस पर हम क्लिक करके प्रॉपर वाले पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो साइड में ब्लैकनेस आ रहा था ना वो भी नहीं आएगी, तो जो चीज़ गलत होगी उसे हटाते रहेंगे आता। तो हमने जो काली पट्टी थी वो हटा दी है, और यहाँ पर और जो हल्का डार्क था वो हमने फुल डार्क कर दिया है। तो अब हम प्रिंट के लिए हमने कमांड दी है, और यहाँ पे जो फोर कॉपी है उसे एक करेंगे, पहले चार कॉपी निकली आई थी, और यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट के लिए दे देंगे। तो यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहला वाला पेपर रख लूँ, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कमांड आ गई है, और अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा लाइट था और ये वाइट मतलब डार्क में था, ये लाइट हो गया था, लेकिन एक्चुअली बताऊँ तो यहाँ पे भी हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए नहीं मिला एक्चुअली, क्योंकि जो कलर है ना, कलर कॉम्बिनेशन रेड वाला वो लाइट पड़ जा रहा है, और जो इसकी कार्ट्रेज है वो भी यहाँ से अपना साथ छोड़ दे रही है। लेकिन मैं बात करूँ पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा डार्क आया, आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का मैं भी एक्चुअली देख पाऊँ तो यहाँ पे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूँगा, तो आप ये देखेंगे फ़र्क दोनों में, तो किस तरीके का डार्कनेस है आप खुद अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसा भी दोस्तों आप कर सकते हैं कि ये कि मतलब कार्ट्रिज में आपकी लग रहा है कि हाँ इंक हल्की है, तो अपने फंक्शनैलिटी के द्वारा या फोटोशॉप के द्वारा या मतलब कुछ सेटिंग चेंज करके आप और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं पेज को। तो दोस्तों ये था टोटल फंडा इसका, जो कि ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन इंटरनली थिंग से आप जाते हैं तो प्रिंट को और ज़्यादा डार्क निकाल सकते हैं, लेकिन तब इंक हल्की ही आने लगे और वहाँ पे आपको लगे कि हाँ अब कोई रिजल्ट नहीं है कि अब मैं कुछ भी कर लूँ नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको कार्ट्रिज रिफिल करवाना पड़ेगी या चेंज करवाना पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जो इंटरनल एंड बायस सॉफ्टवेयर कर सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।